लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो वहीं रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने और आजम खान को हराने का मिशन लेकर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा भी रामपुर की जनता के बीच मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं जयप्रदा ने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ करने से पहले रामपुर के रठोड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर जल अभिषेक किया, पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद अपने चुनाव प्रचार का आरंभ करते हुए मंदिर परिसर के बाहर एक जनसभा को संबोधित किया। पूजा करके निकल रही जयप्रदा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिवजी का प्राचीन मंदिर है और यहां से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है, इसलिए मैंने भी रामपुर की अपनी जंग के लिए विजयी होने का आशीर्वाद मांगा है ताकि मैं इस लड़ाई को जीत सकूं। यहां पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहां पे लोग माता टीक के जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो भगवान से मैंने एक ही प्रार्थना किया है कि रामपुर को विकास के रूप में, रामपुर को अगर जनता की रक्षा के लिए मैंने पूरी प्रार्थना की और भगवान का आशीर्वाद किया। मुझे इस रामपुर को जनता को खुशहाल में देखना है और रामपुर के इस जंग में मुझे जीत हासिल करना है, उसके लिए आशीर्वाद। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।